सर ये 3 से 14 वाला ब्रिज है, ये इधर वैसे चल सकता है अभी, ये वाला अभी 15 दिन के ऊपर 15 दिन में ये भी लेवल हो जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। पड़ गया स्लैब डाला हुआ है सर, उसी का क्लियरिंग पीरियड चल रहा है, इतना में फिलिंग हो जाएगी, 15 दिन बाद ये भी ट्रैफिक चलने लायक हो जाएगा। ये इनका ये जो अंतिम पैकेज आपका कितने किलोमीटर का है? 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर पे कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सर इनकम्प्लीट है? सर 4 जगह पे हैं, जो कि हमारे 15 मार्च से, जो कि 31 मार्च में मेन कैरिज में लाइट मोटर व्हीकल चल पाएगा सर, कुछ क्योरिंग पीरियड की वजह से अप्रैल में चलाएंगे। ये सर्विस लेन, सर्विस लेन जून तक खत्म हो जाएगी, सर्विस लेन तो इसमें बनी नहीं। नहीं बनी है सर, 18 किलोमीटर 55 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर बनी है। दूसरा ये है, ये आगे किसमें एनएच पे मिल रही है? ये सर एनएच में मिलती है, ये एनएच पे जाती है, ये बक्सी बक्सर वाले एनएच में मिल जाएगी। ये सर गाजीपुर बक्सर है, और अभी एक ये जो गडकरी जी ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, हैदरिया से लेके बक्सर तक एलिवेटेड 18 किलोमीटर का, उसको इसी से जुड़ जाएगा, इसी से जुड़ जाएगा वो, ठीक है, कम्प्लीट हो जाएगा पूरा हर। हमारी एक फेंसिंग लग जाएगी जिससे कि उसी को अनऑथराइज कब्जा ना करे, उसके बाद कबूल लगा देंगे। जानवर उधर की तरफ देखेंगे तो फेंसिंग लगी हुई है, देखा जाता है तो ये जरूरी है। जानवर अगर सर्विस लेन एक ही तरफ देंगे, एक सर्विस लेन एक तरफ है, एक तरफ और पुलों के माध्यम से कनेक्टेड है, किसी भी गांव के ठीक है, लेकिन इसमें कच्चा नाला दे रहे हैं, एक तरफ कच्चा है एक तरफ पक्का है, जिधर सर्विस रोड है उधर पक्का है। पुल पर सर्विस रोड नहीं रहती, एक दो जगह लोग मांग कर रहे हैं कि पुल पर ही सर्विस रोड का पुल अलग बना, ये नई रिक्वेस्ट आई आजमगढ़ में आई है सर।